हेलो एवरीवन, इन लास्ट वीडियो वी रेड पेज नंबर 7, 8 एंड 9। इन टुडेज वीडियो वी विल रीड पेज नंबर 10 एंड 11। इससे पहले हमने रीड किया था बेटे कि कैसे वो जो कैरिन उसको एक डूबता हुआ बच्चा दिखाई देता है, जिसके बाद वो चिल्लाता है और उसको बचाने की कोशिश करता है, और जो उसका जो नरेटर है वो उसको भी बुलाता है कि इस बच्चे को बचाओ, और नरेटर कोशिश करता है बट वो उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाता फर्स्ट अटैम्प्ट में। तो अब आगे क्या होता है, लेट्स सी। अगेन बट दिस टाइम आई फाउंड दैट द वाटर वॉज नॉट वेरी डीप, सो आई सैंक टू द बॉटम ऑफ द रिवर एंड डबल्ड माई फीट अंडर मी एंड देन सडनली किक द रिवर बेड एंड सो शॉट अपवर्ड्स लाइक एन एरो। तो उसके बाद क्या कहता है कि मैंने दोबारा से डुबकी लगाई, बट दिस टाइम आई फाउंड दैट द वाटर वॉज नॉट वेरी डीप, कि अब की बार मैंने पाया कि जो पानी था वो ज़्यादा डीप नहीं था। सो आई सैंक टू द बॉटम ऑफ द रिवर, फिर से मैंने दोबारा से मैं रिवर बॉटम पर गया। बॉटम मीन्स वो तलहटी जो नीचे रिवर के बिल्कुल नीचे पानी के नीचे गया। एंड डबल्ड माई फीट अंडर मी, और मैंने अपने दोनों पैर अपने नीचे डबल कर दिए। डबल मीन्स जैसे हम नीचे झुक के बैठते और एकदम से जंप मार के ऊपर आते हैं, सेम ऐसे ही उसने अपने साथ किया। देन सडनली किक द रिवर बेड, और अचानक से उसने फिर नीचे किक मारी रिवर बेड पे। एंड सो शॉट अपवर्ड्स लाइक एन एरो, और वो बाहर की तरफ ऐसे आया जैसे कि कोई तीर बाहर निकलता है। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आई वॉज होल्डिंग द ड्रॉनिंग बॉय विद माई हैंड, और इसके अलावा एक और जो फैक्ट सच्चाई थी वो ये थी कि मेरे हाथ में मैंने उस डूबते हुए लड़के का हाथ अभी भी अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। एज माई बॉडी रोज अबव द वॉटर आई फेल्ट अ लैसो अराउंड माई नेक, जैसे ही मेरा शरीर थोड़ा सा पानी के ऊपर आया, आई फेल्ट अ लैसो। लैसो होता है जैसे फंदा, रस्सी का फंदा जैसे गले में हो, इस टाइप से लैसो अराउंड माई नेक, कि मैंने अपने गर्दन के चारों तरफ कुछ फंदा सा महसूस किया। दिस फ्राइटेंड मी, इसने मुझे डरा दिया। आई थॉट सम वाटर एनिमल वॉज गोइंग टू स्वेलो मी, मेरे को लगा कि कोई पानी का जानवर मुझे निगल लेगा। आई हर्ड कैरी स्क्वीलिंग, मैंने सुना कि कैरी चीखे मार रहा था। एंड आई न्यू इट वॉज हिज ट्रंक अबाउट माई नेक, और फिर मुझे ये पता लग गया कि ये जो था मेरी गर्दन के चारों तरफ था वो कैरी की सूंड थी। ही पुल्ड अस बोथ अशोर, वो उसने दोनों को हमें खींच कर किनारे की तरफ, वो हमें दोनों को खींच कर किनारे की तरफ ले आया। अब नेक्स्ट क्या है, कैरी वॉज लाइक अ बेबी, कैरी एक बच्चे की तरह है था। ही हैड टू बी ट्रेन टू बी गुड एंड इफ़ यू डिड नॉट टेल हिम व्हेन ही वॉज नॉटी He was up to more mischief than ever. कारी एक बच्चे की तरह था, और उसको भी ये सिखाना पड़ता था कि उसको कब अच्छा बनना है। And if you did not tell him, अगर तुम उसको ऐसा नहीं बताओगे, when he was naughty, जब वो शरारत कर रहा हो, he was up to more mischief than ever, और उसके बाद फिर वो और ज़्यादा शरारत करेगा। जैसे बच्चे होते हैं पहले शरारत करते हैं, उनको रोकना पड़ता है कि आप अभी शरारत नहीं करोगे, तो उसको पता। इसी तरह से जानवर को भी सिखाया जाता है कि अब तुमने शरारत नहीं करनी है, पनिशमेंट मिल जाती है या उसको डराया जाता है, तो उसको भी ऐसे ही सिखाया जाता है कि कब उसको अच्छा रहना है और कब वो ज़्यादा शरारत कर रहा है, कब थोड़ी शरारत कर रहा है। नाउ नेक्स्ट, फॉर इंस्टेंस वन डे समबडी गेव हिम सम बनानास टू इट, फॉर इंस्टेंस उदाहरण के लिए एक दिन किसी ने उसको सम बनानास दिए खाने के लिए, कुछ केले दिए खाने के लिए। वेरी सून ही डेवलप्ड अ ग्रेट लव फॉर राइप बनानास, और जल्द ही उसको ये पके हुए केलों से प्यार हो गया, उसके अंदर उमड़ पड़ा। पहले उसने कभी टेस्ट नहीं किए होंगे, और जैसे ही उसने टेस्ट किए तो उसके लिए उसका लगाव बढ़ गया। वी यूज टू कीप लार्ज प्लेट्स ऑफ फ्रूट ऑन अ टेबल नियर अ विंडो इन द डाइनिंग रूम, हमारी आदत थी हमारे घर में, जैसे पेरेंट्स की आदत होती है रखने के लिए, कि हमारी आदत थी कि हम बड़ी सी प्लेट में फ्रूट्स डाल के टेबल पर रखते थे नियर अ विंडो इन द डाइनिंग रूम। डाइनिंग रूम में खिड़की के पास टेबल पर एक फ्रूट्स की टेबल वो प्लेट भर कर रखते थे। वन डे ऑल द बनानाज ऑन द टेबल डिसअपियर्ड, एक दिन सारे के सारे केले उस प्लेट से गायब हो गए।
टेबल से गायब हो गए एंड माई फैमिली ब्लेम्ड द सर्वेंट्स फॉर ईटिंग ऑल द फ्रूट इन द हाउस। और मेरी परिवार ने सर्वेंट्स पर ब्लेम लगा दिया, दोष लगा दिया कि उन्होंने ही घर में स्थित सारे फ्रूट खा लिए हैं। अ फ्यू डेज लेटर द फ्रूट डिसअपियर्ड अगेन। कुछ दिन बाद फ्रूट दोबारा से डिसअपियर हो गए, डिसअपियर मीन्स गायब हो गए। दिस टाइम द ब्लेम वॉज पुट ऑन मी। और इस टाइम इस बार ब्लेम किसके ऊपर लगा, दोष किसके ऊपर लगा, ऑन मी, मेरे ऊपर। एंड आई न्यू आई हैड नॉट डन इट। और मुझे पता था कि मैंने नहीं किया। इट मेड मी वेरी एंग्री। इस चीज़ से मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, विद माई पेरेंट्स एंड द सर्वेंट्स। सर्वेंट्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और अपने पेरेंट्स से भी मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया कि वो मेरा झूठा नाम लगा रहे थे। फॉर आई वॉज श्योर दे हैड टेकन ऑल द फ्रूट्स। कि मुझे पक्का यकीन था कि वो सारे फ्रूट्स उन्होंने ही उठाए हैं, वो मेरा वैसे ही झूठा नाम लगा रहे थे। द नेक्स्ट टाइम द फ्रूट डिसअपियर्ड आई फाउंड अ बनाना ऑल स्मैश्ड अप इन कैरीज पवेलियन। नेक्स्ट टाइम जब फ्रूट्स गायब हुए, मुझे एक बनाना मिला स्मैश्ड, बिल्कुल क्रश होके, जो पल्प सा बन जाता है, दबा हुआ केला मिला इन कैरीज पवेलियन, जो कैरी का पवेलियन था, छप्पड़ था, उसके अंदर मिला। दिस सरप्राइज मी वेरी मच। इस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा हैरान कर दिया। फॉर आई हैड नेवर सीन फ्रूट्स देयर। इससे पहले मैंने कभी भी वहाँ पर फ्रूट्स नहीं देखे थे। एंड एज़ यू नो, और जैसे कि आपको पता है, ही हैड ऑलवेज लिव्ड ऑन ट्विग्स। और वो तो आपको जैसे पता है कि वो तो हमेशा ही ट्विग्स पर रहता है। नेक्स्ट डे व्हाइल आई वॉज सिटिंग इन द डाइनिंग रूम, जब अगले दिन मैं डाइनिंग रूम में बैठा हुआ था, वंडरिंग वेदर आई शुड टेक सम फ्रूट्स फ्रॉम द टेबल। हैरान हो रहा था कि क्या मैंने कोई उसमें टेबल से कोई फ्रूट लेना चाहिए, विदाउट माई पेरेंट्स परमिशन, क्या बिना मेरे पेरेंट्स की परमिशन के। अ लॉन्ग ब्लैक थिंग वेरी मच लाइक अ स्नेक सडनली केम थ्रू द विंडो एंड डिसअपियर्ड विद ऑल द बनानास। और जैसे ही मैं अभी सोच ही रहा था कि एक काली सी चीज़ विंडो से अंदर आई और सडनली अचानक से सारे के सारे जो केले थे वो वहाँ से गायब हो गए। आई वॉज़ वेरी मच फ्राइटेंड। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था बिकॉज आई हैड नेवर सीन स्नेक्स ईट बनानास, क्योंकि मैंने आज तक कभी नहीं देखा था कि सांप बनाना खाते हैं। एंड आई थॉट इट मस्ट बी अ टेरिबल स्नेक। और मैंने सोचा कि ये ज़रूर पक्का ही कोई बहुत ज़्यादा भयानक सांप है। दैट वुड स्नीक इन एंड टेक फ्रूट, जो कि यहाँ से अंदर आया और उसने सारे फ्रूट्स ले लिए। आई क्रिप्ट आउट ऑफ द रूम, मैं रेंग कर बाहर आया अपने कमरे से, एंड विद ग्रेट फियर इन माई हार्ट रैन आउट ऑफ द हाउस। और अपने मन में बहुत ज़्यादा डर के मारे मैं वहाँ से अपने घर से बाहर की ओर भाग गया, फीलिंग श्योर दैट द स्नेक वुड कम बैक इन टू द हाउस। ये सोच के कि पक्का सांप दोबारा से घर में आएगा, तो वो घर से बाहर ही भाग गया। ईट ऑल द फ्रूट एंड किल ऑल ऑफ अस। उसको ये यकीन हो गया था कि वो सारे फ्रूट्स दोबारा आएगा, वो दो सारे फ्रूट्स खाएगा और फिर हमें भी मार देगा। एज आई वेंट आउट, जैसे ही मैं बाहर निकला, आई सा कैरीज बैग डिसअपियरिंग इन डायरेक्शन ऑफ द पवेलियन। मैंने देखा कैरी की पीठ पवेलियन की तरफ गायब होते हुए, उसी डायरेक्शन में जहाँ पर उसका पवेलियन था उसी तरफ वो जा रहा था, उसकी हल्की सी पीठ उसको दिखाई दी। आई वॉज सो फ्राइटन, मैं इतना ज़्यादा डरा हुआ था, दैट आई वॉन्टेड हिज कंपनी टू चीयर मी अप। कि मैं इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि मुझे उसकी कंपनी की ज़रूरत थी अपने आप को खुश करने के लिए या अपना डर भगाने के लिए। आई रैन आफ्टर हिम इन टू द पवेलियन, मैं पवेलियन में उसके पीछे पीछे दौड़ कर गया। एंड आई फाउंड हिम देयर ईटिंग बनानास, और मैंने उसको वहाँ पर केले खाते हुए पाया। आई स्टूड स्टिल इन एस्टोनिशमेंट। एस्टोनिशमेंट होता हैरानी से, अचरज से, कि मैं स्टूड स्टिल, बिल्कुल बिना हिले, जैसे सावधान पोजिशन में खड़े रहते हैं, कि मैं बिल्कुल हैरान होकर वहाँ पर खड़ा हो गया। द बनानास वर लाइंग स्ट्रोन ऑल अराउंड हिम, जो बनानास थे वो उसके चारों तरफ बिखरे हुए थे, स्ट्रोन यहाँ पे बिखरे, ऑल अराउंड उसके चारों तरफ बिखरे हुए थे। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज ट्रंक, उसने अपनी सूंड को बाहर की तरफ खींचा, एंड रीच्ड फॉर वन फार अवे फ्रॉम वेयर इट वॉज स्टैंडिंग।
फिर उसने अपनी सूंड को खींचकर एक जो दूर बनाना था उसको अपनी तरफ खींचा, वेयर ही वॉज स्टैंडिंग, जहाँ पर वो खड़ा था वहाँ से उसने अपनी सूंड को पूरा ऐसे स्ट्रेच किया, दूर तक फैलाया उस सूंड को, और जो दूर था वो बनाना उसको अपनी तरफ लिया। दैट इंस्टेंट द ट्रंक, सो यहाँ तक हम यही करेंगे बेटे। नेक्स्ट हम अपने जो पेज नंबर 12, 13, 14 है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो यहाँ से हम आगे करेंगे कि कैसे वो बनानास जब वो खाते हुए पकड़ा गया तो उसके बाद क्या हुआ, क्या उसको पनिशमेंट मिली या उसको ऐसे ही छोड़ दिया गया।